हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल बॉक्स ऑफिस स्टेशन पर। तो आज हम बात करेंगे तानाजी मूवी पर, मगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए अब बात करते हैं तानाजी मूवी की, जो कि 10 जनवरी 2020 में रिलीज होने वाली है और बताया जा रहा है कि इस मूवी का बजट बहुत ही बड़ा है। साथ ही साथ हमें इस मूवी में ये पता लगेगा कि तानाजी ने हमारे इतिहास में क्या योगदान दिया है और क्या क्या बलिदान दिए हैं। साथ ही साथ हमें ये भी बताया जाएगा कि तानाजी कौन थे, मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तानाजी महाराजा छत्रपति शिवाजी के आर्मी के लीडर थे और इन्होंने महाराज जी के कंधे से कंधे मिलाकर बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और मराठा एम्पायर को बहुत ही आगे लेकर गए थे। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की। इस मूवी में हमें बहुत ही बड़े और दिग्गज कलाकार देखने को मिलेंगे, जैसे कि अजय देवगन और उनकी धर्मपत्नी काजोल जी और साथ ही साथ सैफ अली खान। इन्हीं सब बड़े कलाकारों की वजह से इस मूवी का बजट पहले से ही बड़ा था, अब और भी बड़ा हो चुका है। मूवी का ये भी एक मकसद है कि हमें बताया जाए कि तानाजी कौन थे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक इंडिया में इसके टोटल स्क्रीन्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मगर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस मूवी को लगभग 2000 स्क्रीन्स दी जाएंगी, मगर आगे कितनी स्क्रीन्स दी जाएंगी हम आपको अपनी वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और अब बात करेंगे इस मूवी के बजट की। इस मूवी का बजट बहुत ही बड़ा है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस मूवी का बजट लगभग 120 करोड़ है। तो इस मूवी को हिट का वर्डिक्ट पाने के लिए कम से कम 130 करोड़ की कमाई तो करनी होगी, पर अगर ये मूवी सुपर हिट का वर्डिक्ट पाना चाहती है तो इस मूवी को लगभग 200 करोड़ तो करने ही पड़ेंगे, और अगर 250 करोड़ कर लेती है तो ये मूवी सुपर डुपर हिट के वर्डिक्ट में आ जाएगी और एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी जो कि तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग इस मूवी को बाहुबली मूवी से कंपेयर कर रहे हैं, मगर अजय देवगन जी ने कहा है कि हमें इन दोनों मूवीज़ को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये दोनों मूवीज़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और हमें इस मूवी को भी उतना ही प्यार देना चाहिए जितना कि बाहुबली जी को दिया है। ये मूवी 17th century में स्थित की गई है और उस समय के दौरान के मुताबिक ही बनाई गई है। इस मूवी में अजय देवगन जी ने खुद भी पैसे लगाए हैं और उन्हें ये अनुमान है कि ये मूवी बहुत ही अच्छी कमाई करेगी, और हम आशा करते हैं कि ये मूवी बहुत अच्छी कमाई करेगी। तो बस अब हमें इंतज़ार है 10 जनवरी का, जब ये मूवी रिलीज़ होगी और बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाएगी। तो आपका इस मूवी बारे क्या ख्याल है हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और क्या आप ये मूवी देखने जाएंगे इसके बारे में भी हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में।